अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सर मैसम, आई एम कंप्यूटर साइंस टीचर। हमारा टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का, जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम के तमाम इनपुट, तमाम आउटपुट, ठीक है, मेमोरी को मैनेजमेंट करना, मेमोरी को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, लोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम करना, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, आपके जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, जॉयस्टिक आ जाता है, जितनी भी आपकी कीबोर्ड डिवाइसेज हैं, ये सारी मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, इन सब को वो मैनेज करता है, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग इंटरफेस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जी, जी ये प्रोवाइडिंग इंटरफेस परफॉर्म आपको एक प्रोवाइड करता है कि मुहैया करता है आपको। इंटरफेस किसे कहते हैं? मेरा यूज़र इंटरफेस अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको नहीं पता, आपको इससे गर्ज है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर, आप जब भी विंडो ओपन करते हैं आपको गर्ज है जी स्टार्ट मेन्यू से, आपको गर्ज है यहाँ पे वो आइकॉन पड़ा हुआ है उसका, क्रोम का पड़ा हुआ है, या जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया आपको उससे गर्ज, आपको गर्ज नहीं है पीछे उसके फंक्शनिंग क्या हो रही है, उसके पीछे क्या चीज़ हो रही है, आप बस उसको यूज़ करते हैं। वो जो सामने आपको विंडो की सामने पहली स्क्रीन नज़र आ रही होती है वो आपका यूज़र इंटरफेस होता है, या आप देखेंगे आपके क्रोम का जो आइकॉन बना होता है वो उसका यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है। यूज़र कौन है? मैं हूँ। मेरे लिए वो चीज़ किस तरह की सामने होगी, मेरे लिए किस तरह आसानी होगी उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं जी। तो इसकी हम थोड़ी सी ज़रा पुरानी हिस्ट्री को देख लेते हैं कि दो तरह के इंटरफेसेस थे, एक था यूज़र इंटरफेस, सॉरी कमांड लाइन, एक था कमांड लाइन इंटरफेस था, और दूसरा था ग्राफिकल यूज़र, दूसरा क्या था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था जी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने कमांड लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस, अच्छा कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर क्या होता था कि आप इन इसके केस के अंदर कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग द कीबोर्ड, आप कीबोर्ड के साथ, इन केस ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस यू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय कीबोर्ड, बाय राइटिंग कमांड, अच्छा इसके अंदर आप सारा काम जो थे वो कीबोर्ड के साथ करते थे कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर, ठीक। आप क्या करते थे, आप अपने कीबोर्ड के साथ, अभी भी मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल अभी, कि वो CMD होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके सर्च बॉक्स के अंदर स्टार्ट का बटन होता है, यहाँ पे जाके आप क्लिक करके इसके ऊपर एक छोटा सा सर्च बॉक्स बना होता है, यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आपके सामने लिखी आ जाएगी, ठीक है। तो वो उसको CMD बोलते हैं, वो उसके ऊपर आप क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर आप देखा होगा जब आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर करके एक ऊपर आप देखेंगे लिखा होगा कि सबसे पहले मैंने मैसम नाम का फोल्डर जो है उसको ओपन किया, उसके अंदर जो थी सॉरी सी ड्राइव के अंदर गया, उसके अंदर जा के मैंने माउस को सॉरी सॉन्ग्स को निकाला, ठीक है, सॉन्ग्स के अंदर कौन सा सॉन्ग निकाला वो सारा इस तरह लिखा आ जाएगा। तो इसी तरह टेक्स्ट जो है मुझे कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर लिखना पड़ता था, फिर जाके मुझे ये चीज़ मिलती थी, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये डॉस कमांड प्रॉम्प्ट जो था वो क्या था, एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम आर कमांड प्रॉम्प्ट भी था और MS-DOS, इसको जी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। 1981 से पहले एक आदमी था, उसने सिर्फ डॉस को इंट्रोड्यूस किया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये कि आपकी एक डिस्क के साथ पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाया जाता था, उसके साथ ही सारी वर्किंग की जाती थी। फिर जो आप इस टाइम दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं बिल गेट्स, उन्होंने 1981 के अंदर
81 के अंदर डॉस को इंट्रोड्यूस करवाया और उसको फिर प्रॉपर फंक्शनिंग जो है उसने की, ये उससे थोड़ा सा बेहतर काम था। तो कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर कमांड लिखना, टेक्स्ट वो सारा सिंटैक्स लिखना, वो बड़ा मुश्किल काम था तो उस वक्त के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे आए तो हमारे पास कौन सी चीज़ आ गई, हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन में क्या होता है, कमांड के अंदर आपको जाके लिखना पड़ता था जी ये उसके अंदर ये चीज़ पड़ी है। अब इसके साथ आप क्या कर रहे थे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ आप अपने माउस के साथ जस्ट उसकी वो जो कलर्स उसके अंदर हैं या जो शक्ल उसकी बनी हुई है उसको जस्ट आप क्लिक कर रहे हैं और वो कलर फॉर्म के अंदर है आपके पास। एक चीज़ क्या थी, कलर्ड फॉर्म के अंदर था आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और वो क्या थी, मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे बुलाया कि आपके पास एक ब्लैक सी स्क्रीन खुल जाती है, उसके ऊपर आप जो है ऐसे सारा सिंटैक्स जो है वो लिखते हो, ठीक है, फिर जाके आपकी कोई फंक्शनिंग होती है। लेकिन इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर आपको वो नहीं था करना पड़ता, इसके अंदर अपने माउस के साथ जाके, पॉइंटिंग डिवाइस के साथ जाके आप अपने विंडोज़ को, मेन्यूज़ को जाके क्लिक करते थे, उनको सर्च करते थे, उनके साथ वर्किंग करते थे, ठीक है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका आप देख ले, आपके पास क्रोम की आ जाती है या ये चीज़ लिखी हुई है, ये एक फोल्डर की शक्ल आ जाती है, ये साथ रिसाइकल बिन की शक्ल आ जाती है, ठीक, ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो अब यूज़र फ्रेंडली हो गई थी, यूज़र इंटरफेस बड़े आराम से इन चीज़ों को समझ रहा था। माय कंप्यूटर आप लगा लें, ठीक है, माय कंप्यूटर जो है वो पहले इस तरह नहीं था आता जिस तरह आज उसकी पिक्चर बनी हुई आती है, ऐसे करके ये उसकी पिक्चर बनी आती है माय कंप्यूटर की, पहले इस तरह नहीं थी। जब से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया तो अब हमें देखते सार पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज़ है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ने हमें क्या किया, ग्राफिक्स प्रोवाइड किया। ग्राफिक बेसिकली हम कलर्स को कहते हैं, ये तकरीबन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन कलर्स भी होते हैं, इसके अंदर 256 कलर्स के साथ मिलके कितने 1000 कलर्स बनते हैं, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर, उसके अंदर सारा कुछ ये किया गया था। बेसिकली हमें ग्राफिक्स प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है, जिस तरह आप देखें कि हम कहते हैं कि इसके अगर कोई पिक्चर हमें बड़े अच्छे तरीके से नज़र आ रही है ना, बड़ी अगर आपने विंडो 7 के अंदर बड़ा हाईली प्रोसेसर लगाया हुआ है तो उसके अंदर क्या होगा, विंडो 10 के अंदर, विंडो 10 के जो अपने वो है ना थीम्स हैं वो बड़े बेहतरीन है, ठीक है, तो वो हाईली ग्राफिक्स जो हैं वो 4K वीडियो भी होती है, एक बात और आ जाती है, क्वालिटी की बात आ जाती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर। उसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है ना आपको क्वालिटी प्रोवाइड करता है कलर्स के अंदर, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।